नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। बात आज पिछड़े वर्ग को आरक्षण को लेकर जो देश में वर्तमान हालात है उसको लेकर आज हम बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, 1978 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से एक नेता का जन्म हुआ था, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण का फार्मूला दिया था, शायद आज उसी को लेकर बातचीत हो रही है या कुछ और भी बातचीत है, जानने समझने की कोशिश करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, ये कर्पूरी ठाकुर आरक्षण है? जो कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला है तो उसके तहत उन्होंने 1978 में 26% आरक्षण दिया था, जिसमें पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, अति दलित के साथ 3% वीकर सेक्शन को भी, अपर कास्ट के वीकर सेक्शन को भी 3% उस समय उन्होंने फार्मूला आरक्षण दिया था और 3% महिलाओं को आरक्षण दिया था। तो उनकी ये सोच थी कि आरक्षण के बावजूद जो वंचित लोग रह गए हैं, जो वंचित समाज रह गया है, उसको भी मौका मिलना चाहिए। अगर सरकार मौका नहीं देती या जिस तरीके से वर्तमान हालात है, तो आप आगे किस तरीके की बातचीत करने के? अगर सरकार जातवाइज गणना न कराकर और रिपोर्ट के गणना के आधार पर न कराकर लोगों को शासन और सत्ता में भागीदारी नहीं देती है, तो फिर ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे हम? ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे जो जनता को भागीदारी नहीं देती। यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता भी किसी ज़माने में रहे, वो भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है, आपकी सरकार केंद्र में भी प्रदेश में भी, आपकी एक छोटी सी मांग है, हालांकि इसको लेकर हाईकोर्ट में भी तरह तरीके की पिटीशन, तमाम चीज़ें दायर हैं, तो आप संगठन के आदमी हैं, तो संगठन सत्ता को किस तरीके से मजबूर करेगा, जरा ये बताइए। संगठन तो जो शासन है उसके साथ रहता है और संगठन जो है उसको गाइड भी करता है। जब वो देखता है कि भाई हमको संगठन को अपने जो उसको मन जो है उसी हिसाब से वो संगठन शासन को गाइड करेगा, मजबूर करेगा और उसको क्रियान्वयन करेगा। आपकी प्रमुख मांग कौन सी है भाई? ये जो जातिगत जनगणना और उसके आधार पर ये आरक्षण, जातिगत आरक्षण और उसके आधार पर जनगणना जो है उसको गाइड भी करता है। जब वो देखता है कि भाई हमको संगठन को अपने जो उसको मन जो है उसी हिसाब से वो संगठन शासन को गाइड करेगा, मजबूर करेगा और उसको क्रियान्वयन करेगा। आपकी प्रमुख मांग कौन सी है भाई? ये जो जातिगत जनगणना और उसके आधार पर ये आरक्षण, जातिगत आरक्षण और उसके आधार पर जनगणना, ये है इन लोगों की एक ऐसी मांग जिसको सरकार पूरा करने के लिए तैयार नहीं। वजह हमें नहीं मालूम, वजह क्या हो सकती है ये एक अलग मैटर है। मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से आज वर्तमान हालात हैं, इस वर्तमान हालात में आप युवा हैं, डॉक्टर भी हैं, तो इस वर्तमान हालात को आर्थिक आरक्षण और ये तमाम जिस तरीके के आरक्षण है, इस मसले को किस तरीके से देखें, संक्षेप में बताइए। देखिए सर, जो भारत का संविधान है वो आर्थिक न्याय की बात करता है और मैं ये मानता हूँ कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण जब संसाधनों का, कारखानों का, उद्योग धंधों का केंद्रीकरण होगा तो भारत के प्रत्येक समुदाय को उनको भागीदारी सुनिश्चित होगी, चाहे वो भागीदारी EWS में सवर्णों को हो, OBC के हो, ST को, ST को या माइनॉरिटीज़ को हो। तो जब तक हमारी जाति आधारित जनगणना नहीं होगी तब तक हमें उनकी संख्या का अनुपात पता नहीं चलेगा और सेवाओं के साथ प्राकृतिक संसाधनों में उन्हें। क्या मैं बीच में आपको रोकूंगा, तो क्या आपको
ये लग रहा है कि जो अब आगे जो आरक्षण हो वो तभी उसको विधिवत रूप से होगा, बेहतर तरीके से लोगों को फायदा मिलेगा जब जनगणना जाति आधारित होगी। बिल्कुल, जब हम जाति आधारित, जैसे आप ये देखिए जनरली कि मेरे घर में यदि 5 सदस्य हैं और पापा जी की हमारे प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, तो पहले कुल बच्चों वो कुल प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा, फिर उनके कितने लोग हैं, भाई हैं बहन हैं, फिर उनका उस समय डिवाइडेशन होगा। तो हमारे देश में सरकार को यही चाहिए कि सबसे पहले उन्हें लोगों की संख्या कितनी है, नागरिकों की संख्या कितनी है, और हमारे पास संसाधन कितने हैं, सेवाएं कितनी हैं, नौकरियां कितना है, तो हम फिर उसको सरलता से सहजता से बंटवारा। छोटी सी मांग है, इनका साफ तौर से कहना है, आज़ादी के 75 साल हो गए, आरक्षण में अब ऐसा कुछ होना चाहिए कि उनको भी लाभ मिले जिनको आज तक नहीं मिला। इसका सीधा सा एक इनके हिसाब से छोटा सा फार्मूला, जाति आधारित जनगणना हो, जाति जब तय हो जाएगा इस देश में किस जाति के कितने लोग हैं, उसके हिसाब से अगर आरक्षण का फार्मूला लागू किया जाएगा तो उन परिवारों को ज़्यादा फायदा होगा जो उस समाज में पिछड़े वर्ग या जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, उनको लाभ मिलना, तभी आरक्षण का जो भी मकसद था, बाबा आंबेडकर की जो भी सोच थी, वो पूरी की जा सकती है। न्यूज़ नेटवर्क की अभी आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नई और ताज़ा खबर के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान जावेद अंसारी को।